Chapter 10, Reaching the Age of Adolescence. This is the fifth video of this chapter. In the previous video, we have discussed about how the sex of the baby is determined and also about hormones, specifically sex hormones. In this video, we will take up hormones other than sex hormones. तो प्रीवियस वीडियो में जब हमने हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ा तो हमने ये पढ़ा कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो हॉर्मोन्स सिक्रीट करते हैं, लेकिन कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे भी होते हैं जो दूसरे ऑर्गन्स या फिर सेल्स को स्टिम्यूलेट कर देते हैं कि वो अपने अपने हॉर्मोन्स सिक्रीट करें, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड टेस्टीज और ओवरीज को स्टिम्यूलेट कर देते हैं हॉर्मोन्स सिक्रीट करने के लिए या फिर प्रोड्यूस करने के लिए. अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो ब्रेन में अटैच्ड होती है, लेकिन इस ग्लैंड के अलावा और भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे होते हैं जो कि हॉर्मोन्स सिक्रीट करते हैं, जैसे कि थायरॉइड ग्लैंड, पेनक्रियाज, एड्रेनल्स एक्सेट्रा. अब आपने एक बीमारी के बारे में सुना होगा जो थायराइड ग्लैंड की वजह से होती है, जिसको बोलते हैं गोइटर. जब थायराइड ग्लैंड्स अपने हॉर्मोन्स जो कि होते हैं थायरोक्सिन उनको प्रोड्यूस नहीं करती है तब ये बीमारी हो जाती है. इसी तरह जो पेनक्रियाज होते हैं वो इंसुलिन हार्मोन्स सिक्रीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और अगर वो हार्मोन्स रिलीज ना करें या फिर सिक्रीट ना करें तो डायबिटीज़ हो जाती है. एड्रेनल्स जो होते हैं वो एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि ब्लड में सॉल्ट का कंटेंट या फिर बैलेंस मेंटेन करते हैं. अगर किसी ह्यूमन की बॉडी एंग्री है या फिर वो वरिड है तो ये हॉर्मोन्स जो होते हैं वो स्ट्रेस को रिलीज करने का या फिर स्ट्रेस के साथ एडजस्ट करने के लिए भी हेल्प करते हैं. टिल नाउ वी हैव स्टडीड दैट द हॉर्मोन्स सिक्रीटेड बाय द पिट्यूटरी स्टिम्युलेट्स टेस्टीज एंड ओवरीज टू प्रोड्यूस देयर हॉर्मोन्स. You have already learned that the pituitary gland is an endocrine gland. It is attached to the brain. Apart from the pituitary, the testes and the ovaries, there are many other endocrine glands in the body such as thyroid, pancreas and adrenals. Goiter is the disease of the thyroid gland. Thyroid gland, if it is not producing the hormone thyroxine, then this disease can occur. Whereas pancreas, when they doesn't work and they doesn't secrete insulin, diabetes disease can occur. Similarly, adrenal glands secrete hormones which maintain the correct salt balance in the blood. Adrenals also produce the hormones adrenaline. It helps the body to adjust to stress when one is very angry, embarrassed or worried. Thyroid and adrenals secrete their hormones when they receive orders from the pituitary through its hormones. Pituitary also secretes growth hormones, which is necessary for the normal growth of a person. Thyroid और adrenals तभी अपने अपने hormones secrete करते हैं जब उनको pituitary gland से orders मिलते हैं, और किसके through orders मिलते हैं, उनके hormones के through. पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो खुद हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं वो हार्मोन्स होते हैं ग्रोथ हार्मोन्स, जो कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल की ग्रोथ के लिए नेसेसरी होते हैं.
Moving forward to the role of hormones in completing the life history of insects and frogs. You have already learned about the life history of the silk moth and the frog. The caterpillar has to pass through various stages to become an adult moth. Recall from class 7th the stages of the life history of the silk moth. Similarly, the tadpole passes through certain stages to become a frog. This change from larva to adult is called metamorphosis. 7th grade में आप silk moth और frog का life span या फिर life cycle पढ़ चुके हो। आपको पता है कि इन दोनों को ही अपने adult phase तक पहुंचने से पहले बहुत सारे processes या फिर changes से जाना पड़ता है। अब अगर हम frog की बात करें तो सबसे पहले eggs होते हैं, फिर अर्ली टेडपोल यानी कि जो लार्वा होते हैं उसमें वो एग्स डेवलप होते हैं और उसके बाद आती है लेट टेडपोल की स्टेज जिसमें आईज और लिम्स डेवलप होने लग जाते हैं। तो ये जो सारे चेंजेस हो रहे हैं अर्ली टेडपोल लेट और अडल्ट फ्रॉग में, ये सारे चेंजेस एक प्रोसेस के थ्रू होते हैं जिसको हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। अब इस मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस में या फिर इन चेंजेस में हॉर्मोन्स की रिक्वायरमेंट होती है और अगर इंसेक्ट्स में ये चेंजेस हो रहे हैं या फिर इंसेक्ट्स में मेटामॉर्फोसिस हो रही है तो थायरोक्सिन हॉर्मोन की ज़रूरत होती है जो कि हमको पता है कि थायरॉइड ग्लैंड्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। अब थायरोक्सिन की प्रोडक्शन के लिए वाटर में आयोडीन होना बहुत ज़रूरी होता है। ये टेडपोल्स जिस पानी में रहते हैं उसमें सफिशेंट आयोडीन होता है कि थायरोक्सिन प्रोड्यूस हो जाए। अगर उस पानी में इनफ आयोडीन प्रेजेंट नहीं है तो थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा जिससे कि जो टेडपोल्स हैं वो अडल्ट में चेंज नहीं होंगे। द चेंज फ्रॉम लार्वा टू अडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट्स इज कंट्रोल्ड बाय इंसेक्ट हॉर्मोन्स। इन अ फ्रॉग इट इज कंट्रोल्ड बाय थायरोक्सिन द हॉर्मोन प्रोड्यूस्ड बाय थायरॉइड। Thyroxine production requires the presence of iodine in water. If the water in which the tadpoles are growing does not contain sufficient iodine, the tadpoles cannot become adults. अब आते हैं reproductive health पे। जो एक इंडिविजुअल की मेंटल और फिजिकल हेल्थ होती है उसको कलेक्टिवली हम बोलते हैं इंडिविजुअल्स हेल्थ। और इस हेल्थ के लिए यानी कि बॉडी को हेल्दी रखने के लिए एक बैलेंस डाइट होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। उसी के साथ साथ पर्सनल हाइजीन और फिजिकल एक्सरसाइज भी इम्पॉर्टेंट है और एडोलेसेंस में ये सब इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि तब बॉडी सडनली या रैपिडली ग्रो करती है। द फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल इज रिगार्डेड एज एन इंडिविजुअल्स हेल्थ। टू कीप द बॉडी हेल्दी एवरी ह्यूमन बीइंग एट एनी एज नीड्स टू हैव अ बैलेंस्ड डाइट। द पर्सन मस्ट ऑल्सो ऑब्जर्व पर्सनल हाइजीन एंड adequate physical exercise. During adolescence, however, these become even more essential as the body is growing. To continue, nutritional needs of the adolescence. Adolescence is a stage of rapid growth and development.
Hence, the diet for an adolescent has to be carefully planned. You have already learned what a balanced diet is. Recall that a balanced diet means that the meals includes protein, carbohydrates, fats and vitamins in requisite proportions. Our Indian meal of roti, rice, dal and vegetables is a balanced meal. Milk is a balanced food in itself. Fruits also provide nutrition. For infants, mother's milk provides all the nourishment that they need. तो जैसे कि मैंने आपको बताया, adolescents में balanced diet होना बहुत important है, क्योंकि तब बॉडी रैपिडली ग्रो करती है और डेवलपमेंट होता है. इसीलिए एक एडोलेसेंट की डाइट प्लान होनी चाहिए. एक बैलेंस्ड डाइट वो होती है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स और विटामिन्स आ जाएं. हम इंडियन मील को एक बैलेंस्ड डाइट वाली मील मान सकते हैं, क्योंकि उसमें रोटी होती है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती है, राइस भी इंक्लूड करते हैं, और मिल्क जो होता है वो अपने आप में ही एक बैलेंस्ड डाइट का फूड होता है. फ्रूट्स भी नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, और इसी तरह इन्फेंट्स के लिए मदर्स मिल्क जो होता है वो उनको सारा नरिशमेंट प्रोवाइड कर देता है जो भी उनको चाहिए होता है. आपने सुना होगा कि आयरन जो होता है वो ब्लड बनाता है, इसीलिए ग्रीन वेजिटेबल्स, जैगरी, मीट, सिट्रस और इंडियन गूसबेरीज यानी कि आंवला एडोलेसेंस के लिए अच्छा होता है. लेकिन जो चिप्स होते हैं और जो पैक्ड ईटेबल आइटम्स होते हैं उसमें प्रॉपर नरिशमेंट नहीं होता. चिप्स एंड पैक्ड और टिंड स्नैक्स दो वेरी टेस्टी शुड नेवर रिप्लेस रेगुलर मील्स एज दे डू नॉट हैव एडिक्वेट न्यूट्रिशनल वैल्यूज. मूविंग फॉरवर्ड टू पर्सनल हाइजीन. Everyone should have a bath at least once a day. It is more necessary for teenagers because the increased activities of sweat glands sometimes make the body smelly. All parts of the body should be washed and cleaned every day. सबको रोज नहाना चाहिए, और जो एडोलेसेंट्स होते हैं उनको तो अपनी हाइजीन का प्रॉपर ख्याल रखना ही चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, जैसे कि वो ज़्यादा भागते हैं, खेलते हैं, तो उनकी बॉडी में से स्मेल आने लग जाती है स्वेट की. इसीलिए उनको हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए, और क्लीनलीनेस से बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी नहीं होते. और स्पेशली गर्ल्स को पर्सनल हाइजीन का ख्याल तब रखना चाहिए जब वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल या मेंस्ट्रुएशन फ्लो उनमें हो रहा हो. अब उनको ये तो पता है कि हर 28 टू 30 डेज में ये साइकिल स्टार्ट होगी, तो जैसे ही इसका ऑनसेट हो या जैसे ही ये स्टार्ट होने वाली हो तो उनको रिकॉर्ड करना चाहिए टाइम या डेज, और पहले से ही प्रिपेयर कर लेना चाहिए अपने पर्सनल हाइजीन के लिए. ओके, सो आवर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज फिजिकल एक्सरसाइज. अगर हम फ्रेश एयर में खेल रहे हैं या फिर वॉक कर रहे हैं तो उससे हमारी बॉडी हेल्दी रहती है और फिट रहती है. इसीलिए सारे यंग लोग जो भी हैं, एडोलेसेंट्स जो भी हैं, उनको आउटडोर गेम्स ही प्रिफर करने चाहिए. एडोलेसेंस में क्या होता है ना कि हमारी बॉडी में बहुत सारी चीज़ें या दिमाग में बहुत सारी एक्टिविटीज़ चलती हैं जो कि नॉर्मल है एक इंडिविजुअल की ग्रोथ के लिए, चाहे वो फिजिकल ग्रोथ हो, इमोशनल ग्रोथ हो या फिर इंटेलेक्चुअल ग्रोथ. तो इसमें
इनसिक्योर और कंफ्यूज्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसे होते हैं तो कुछ लोग हमको ड्रग्स भी ऑफर करते हैं और ड्रग्स एडिक्टिव होते हैं। अगर आपने एक बार ले लिए तो आपको आदत हो जाएगी, वो आपकी हेल्थ और हैप्पीनेस दोनों को ख़राब कर देंगे। जैसे कि मेंटल हेल्थ के लिए वो बहुत डेंजरस होते हैं, फिजिकल हेल्थ तो उससे ख़राब होती ही है और इमोशनली भी डैमेज होता है। देयरफॉर यू शुड से नो टू ड्रग्स। आपने एड्स के बारे में भी सुना होगा, जो कि एक बहुत ही डेंजरस वायरस से फैलता है, जिसको हम HIV बोलते हैं। ड्रग्स को यूजुअली इंजेक्शंस से लिया जाता है, तो अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन जो कि जिसको एड है, HIV पॉजिटिव है, जो अगर आपने उससे वो सिरिंज शेयर कर ली तो आप में भी वो एड्स हो जाएगा। और अगर आप फीमेल हैं तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मदर्स मिल्क से भी इन्फेंट्स तक वो एड्स जा सकता है। अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया तो उससे भी HIV ट्रांसमिट होता है। एड्स विच इज कॉज्ड बाय अ डेंजरस वायरस HIV। द वायरस कैन पास ऑन टू अ नॉर्मल पर्सन फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन बाय शेयरिंग द सीरेंजेस यूज्ड फॉर इन्फेक्टिंग ड्रग्स। It can also be transmitted to an infant from the infected mother through her milk. The virus can also be transmitted through sexual contact with a person infected with HIV. Okay, so basically you have to say no to drugs. With this, we are done with chapter 10, Reaching the Age of Adolescence.